होता है इसको लोग खाते हैं। तुम्हें बता मुझे रात को नींद भी नहीं आई सालो, मैं चक्कर में था, मुझे पता थी तुम कुछ ना कुछ जासूसी दोगे इन अंग्रेजों को अच्छे मुसाले को। एक बात बताओ, हराम ज्यादा जो तुम्हें पता है अंग्रेजों को मुश्किल से भगाया, इन्हें सारी जासूसी दे रहे हो, अरे छिपा कर रखा है बेल पत्थर का पेड़, बतला दे जा, ये भी बतला दे हमारे देश में वहाँ कारतूस बने वहाँ बंदूक बने, सारी जासूसी दे दो, मुश्किल से तो भगाए साले, और मुझे रात को नींद भी नहीं आई इस चक्कर में, मगर कुछ ना कुछ काम बिगाड़ेंगे 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 काम बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे चले जाओ चले जाओ। पागल मान रहे हो, पागल मान रहे हो शेख चिल्ली को, ये बता दे पियर ले साले इधर कहाँ गए अंग्रेज की औलाद, साले को मैं देखूंगा। मजबूत भी है, मजबूत है, अब देख शेख चिल्ली की चाल। अच्छा क्या चाल है भाई, वो कहते खाने के लिए आओ देखो, ये ना है इनका ये जाल खोल लेंगे लो। हां अरे वो तो तुम नीचे जाओगे हमें, अबे मुझे बुढ़ापे में मरवा रहे, तू नीचे भेज के हैं हैं ठीक है तो मैं नीचे जाऊंगा बांध के। हां जब मैं वो नीचे से ऊपर वो आने को कहूंगा ना तब तब कहूंगा खटक दान। हाँ तो ठीक है, तुम खाई मुझे मैं खाना। चौधरण घर का ताला वाला भी ठीक से लगा दिया? हाँ लगा दिया। सो जा। ठीक है तो सो जा सो जा सो जा सो जा, हर वक्त ऐठती रहे, दिन हो जा रहा। कोई ना कोई आट अटकेगा, और ना तो औरू तेरा लाडला देवर राम लाल याद आ रहा। थोड़ी तसल्ली भी रख लिया करो, मैं कह रहा हूँ तो रोटी ला के धर दे, कोई ना कोई छाती तो अटक के आराम से तुम रोटी तो खा ले। पानी और ले एक गिलास पानी ला ले, रोटी तो खा ले। चौधरी राम 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 लाल बाबू, बहुत उम्र है तेरी। बस उम्र क्या, रोटी का राम दिया और तुझे याद ही कर रहा, बस सब भाभी का आशीर्वाद है और क्या है, मेरे द्वारे तो बस यही है। मेरे तो मुझे बता। ए चौधरण एक काम कर, एक कटोरी में दाल और एक गिलास पानी और लिया ना, मैं तो खा के आया हूँ खाना, पेट फुल हो रहा है एकदम। खा ले बावड़े, तेरी भाभी का हाथ में बनाया खान। भाभी ने बनाया भाई साहब? हाँ भाभी बूझ ले मेरा। अच्छा और आपने बनाया खाना यू? हाँ जी मैंने अपने हाथों से बनाया आज खाना। नालायक जो छोड़ रखे हैं वे भी बना देना कभी कभी। आज ही बहुत तो बस हराम की खा मैं। आपने बनाया था तो मैं खाई लूँ। बड़े प्यार से बनाया वैसे देवर जी। तुमने भी खा ली रोटी रोटी ना? आज ये भी कहाँ खाई है मैंने, भले आप खा लो मैं खा लूँ। भाई साहब खाना आज अपने हाथों से बनाया मैंने, खा के बताओ कैसा बना है। बस भाभी के हाथ का तो खाना पड़ेगा, चहर भी हो भाभी के हाथ का। भाभी का हाथ पी ना दाल तो। हाँ पी लो, मैं तो भाभी का हाथ पी ना।
बस एक चिल्ली। अब्बू आज तो बड़ी घुट्टो घूट पी रहे है, साले क्या माल पी रहे है। मगर एक बात है अब्बू, तुम मत खा लेना दाल को। दाल को ना खा लेना? हाँ। क्या बात है अब्बू? यही तो बात है, ये तेरे शेख की चाल है, इलाज खा लें। शेख की चाल है? हाँ। मेरे बेटे एक गिलास पानी और ले ऐसा अपने देवर को। खा रहा हूँ खाना। सब बढ़िया बना। खाना खा लिया? हाँ भाभी खा लिया। मैंने अपने हाथों से बनाया था। अरे बहुत टेस्ट आ रहा भाभी खाने में, तो मैं पीछे भी खा जाऊँ क्या आपके हाथ का। एक बात तो बताओ, वे जो नालायक नौकर ला के दिए, मैंने काम ठीक ठाक कर रहे हैं ना? अब उन्हें रात का खाना दूंगी जाके। एक बात सुनो, एक काम करो, अब रात का बंद कर दो। अब रात कब बंद कर दो? फिर देखो कैसे लाइन पावे साले दोनों के दोनों। हराम भी बहुत है। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा। इस बात में तो सही कहो भाई साहब। खाना रात का भी बिल्कुल बंद कर दो, जैसा मैं कहूँ वैसे करते रहो बस। ठीक है ऐसे ही करो। अच्छा तो ऐसा मैं चलूं, खाना कुछ और ज्यादा ही टेस्ट है भाभी का हाथ का। खाने का तो टेस्ट ही अलग है। मिलता रहिए रामलाल। हाँ
एक्शन। माथा पकड़े बैठे तू ये बताओ मेरी तो सवेरे से टूटली दही जब से तन्ने खाना खवाया ना खवाया कहा गेर रखा उसमें तन्ना क्या हो गया चार पांच बार जा लिया खेतों में फिरूं सवेरे से लार लगा लुट उठा तुम तो चार बार चले गए मैं तो छह बार होके आ गई मुझे ना पता कुछ भी मेरा तो दिमाग खराब हो रहा ठीक है ओहो मार लिया अरे अरे चौधरी रामलाल कैसा बात है बस बात बात कुछ ना मेरा होश हवास सब खत्म हो रहा है लांग वांग खोल फिर यार कैसे डिब्बा ठा रखा है बच्ची का अरे चौधरी लांग पांग ना होश हवास बनने बाद है के जब से हंसे दाल खा के गया हूँ अच्छा और जब से होश हवास खत्म उठू और बैठू बस गैली और पूरा झाग सा जा रहा था कपड़े धोले पता नहीं क्या है तू भी इस चीज का शिकार हो शिकार बस बुरी हालत है और महाराज तेरी बाबी का तो बस हाल ही मत पूछे अच्छा हाँ मैं सवेरे से मैं तो देखा बाढ़ वाले खेत में पड़े हुए मुझे पता नहीं घर कहा और रात कहा चौधरा ने एक बात तो बता हाँ पूछो ये दाल बनाई किसने ही दाल तो मैंने बनाई थी पर मैंने दाल तो उन दोनों नौकरों को भी दी थी उन्हें भी दी उन हराम जादो को तो कुछ भी ना हुआ एक बार भी नहीं गए वो तो कुछ भी ना हुआ वह हमारा क्या होता है ना थारे करवा गाड़ी आ रहे थारे थारे करवा है भूखे मार रखे चौधरी हो तुमने जिस दिन से हम यहाँ आए तुमने भी ना खाया हमने क्यों नहीं खा दिया था थारे कर्म गाड़ी आ रहे हैं हमारे कर्म खराब थोड़ी है अरे तो बहुत ही हमारे कर्म ऐसे हैं जो इस काम के लोग हम खेतों में पड़े रहे खेतों में पड़े रहा हमारी जिम्मेदारी इस बात की अरे दाल का तुम दोनों भी खाई हमने खूब पी हमने तो खूब खाची घूंटो से चल चल ऐसा है मुझे तो इन सालों में दोनों की चाल लग रही है एक काम कर भाभी इन्हें जो है बिल्कुल खाना देना बंद कर दे इन्हें सालों को सबूर आ जाओगा सही कह रहे हो भाई साहब मरवा दिए हम और मैं चल रहा हूँ घर को मेरी अभी हालत सही ना है अच्छा पहुंचो भाई साहब ठीक है इन्हें खाना दूं ही ना बिल्कुल बंद कर दे आराम करिए रामलाल भाई साहब आराम से निकलियो हार्दिका मिलता रहिए भैया साइकिली बेटे अबे कैसे टूट रहा है अब्बू अब्बू इन्होंने तो रोटी आज नहीं दी भूख लग रही है इन्होंने तो आज बिठा के रख दी बेटे एक दो दिन और देख ले इसके बाद यहाँ पे अपना हिसाब लेकर अपना चलेगा भैया अपने घर को अब्बू एक बात है हाँ एक बात है अब्बू हाँ बता मेरी एक तरकीब याद है क्या तरकीब याद है आज रात को तुम्हें नहीं लग रही भूख ने बताओ मुझे अरे मुझे तो बेटे तेरे तो बहुत ज्यादा लग रही है हाँ तो सुनो सही आज रात को खैचरतान बनेंगे खैचरतान हाँ वो खैचरतान खैचरतान बनकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा मैं तेरे वो मेरे बेटे कैसे बनेगा खैचरतान खैचरतान बनूंगा ओ अबू ओ रस्सी दिख रही है रस्सी वो हाँ हाँ दिख रही आज रात को हाँ इस रस्सी से मैं खचकतान बनूंगा अच्छा और फिर देखो मैं कैसे खवाता तुम्हें खाना अरे मेरे बेटे देख लिया हाँ देखो आज देखो रख दे ठाक है ठीक है ठीक रात को देखा आज शेर चिल्ली की तरकीब देखो भैया भुक्के मार दिया ये चौधरी तो बड़ी खराब ये तो खराब है इसे देखना मुझे